मोहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, जैसा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी में चुनाव लड़ा और उसको लेकर मुसलमानों की क्या प्रक्रिया रही, उस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। नाजरीन, आपको बता दूं कि यूपी चुनाव नतीजे पर असदुद्दीन ओवैसी ने ईवीएम में नहीं लोगों के दिमाग में फिट की गई चिप है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईवीएम की नाकामी कुछ लोग गिना रहे हैं और इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। नाजरीन किराम, आपको बता दें कि जिस तरीके से मुसलमानों के दिमाग में ये चीज फिट कर दी गई थी कि अखिलेश यादव को ही वोट देना है, अगर अखिलेश यादव को कामयाब नहीं किया तो फिर से भाजपा सरकार यूपी में बनाई जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे पर अपनी राय देते हुए कहा कि यह 80-20 की कामयाबी है। उन्होंने ईवीएम पर शोर मचाने वाले विपक्ष पर भी तंज कसा और कहा कि राजनीतिक दल नाकामी छुपाने के लिए ईवीएम को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 2019 से कह रहा हूं कि ईवीएम में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में चिप सेट की गई है। बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार यूपी में अपनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में हिस्सा लिया था और 100 सीटों पर उन्होंने अपनी प्रत्याशी खड़े किए थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के किसी भी उम्मीदवार को कामयाबी नहीं मिल सकी। ओवैसी की पार्टी को महज 49.49% वोट मिला है। ओवैसी को ज्यादातर उम्मीदवारों के 5000 वोट भी नहीं मिले हैं। ओवैसी ने कोशिश की थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित मुसलमान फार्मूला बना सके, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, ये लोगों का कहना है। लेकिन नाजरीन, आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खूब ताकत झोंकी और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आवाम के समझ में ये बात ना आ सके और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वो जिता ना सके। नाजरीन, उन्होंने और भी कहा कि दूसरे सियासी दल हार छुपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि ये ईवीएम की गलती नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में चिप डाल दी गई है। नाजरीन, यह हकीकत है कि लोगों के दिमाग में एक चिप फिट कर दी गई है और सिर्फ विपक्ष को लेकर ही वोट कर रहे हैं और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने पर और बीजेपी सरकार को हराने की कोशिश कर रहा है मुसलमान, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पा रही है। नाजरीन, ओवैसी ने नतीजे के बाद कहा, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी को सत्ता सौंपी है और हम उसका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी के लोगों ने यूपी चुनाव में जो कड़ी मेहनत की उनका धन्यवाद करते हैं। नाजरीन, ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, इस बयान पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर लिखिएगा। वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।